रिकॉर्ड छोड़ो, मैप चला मेरी माँ। ये देखो स्टार्ट हो गया इसका। कौन बोलता है गौरव कपूर को उसकी बीवी कंट्रोल करती है, देख लो उसकी। ओके हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस व्लॉग इज अबाउट मी एंड श्रेया गोइंग टू जयपुर, और हमने मंगाया है एक नया सामान, ये रहा ऑस्मो। ये मेरे दोस्त, आपने देखा होगा अभी हमने कोलकाता वाले व्लॉग, और ये चाकू इसलिए क्योंकि मैं इसे ये खोल पाऊँ। तो आते ही मैंने मंगा लिया, मैंने कहा तो काफी सारी चीजें ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए, स्पेशली जब कहीं जाओ। मुझे पता नहीं, जनता इतना कुछ बोलती तो है नहीं मैं ब्लॉग में कि शेक हो रहा है, ये हो रहा है, गंदी वीडियो भी। भाई आप लोग इतने अच्छे हो, गंदी 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 क्वालिटी की वीडियो भी देख जाते हो। कोई नहीं भाई, चलेगा, डालो डालो रेगुलर डालो। पर इस बार मैंने मंगाया डीजे ऑस्मो, इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। मुझे पता भी नहीं चल रही है गिम्बल है क्या है इसको, बेसिकली इसका पर्पस मेनली क्या है। ये जरूर निकलता है ना, बचपन में याद है बोतलों के अंदर से निकलता था। मुझे आज तक समझ नहीं आया इसका पर्पस क्या है। कई लोग कहते थे इसे फिल्टर की तरह यूज करते हैं, तो कई साल तो मैंने इसे बोतल में छोड़ दिया था और उसके अंदर पानी भरते थे, तो हमें लगता था इससे पानी फिल्टर हो जाएगा। इसको फेंकना होता था इडली, आदि कुछ तो कीड़े से बचाने के लिए होता है, पता नहीं क्या काम है उसका। किसी को नहीं पता इसका काम, किसी को पता तो प्लीज टेल अस इन द कमेंट, सो दैट वी हैव बेटर एंगेजमेंट, ओनली इफ यू नो, अदरवाइज डोंट कमेंट। मतलब अगर अच्छा लगे तो करो, ऑब्वियसली बात है। ये बटन से ऑन भी हो गया, यही है भाई अपनी अपना अनबॉक्सिंग ऐसा ही है। सो दिस इज इट, दिस एंड दिस इज द डीजे ऑस्मो गिम्बल 3 जनरेशन 3 पता नहीं 4 क्या है। बाकी सी यू गाइस इन जयपुर और ऑन द वे टू जयपुर। देख रहे हो व्लॉगिंग का सामान इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे। तो अब दोस्तों आपको एक जादू दिखा दो, जो कि श्रेया को जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब देखना श्रेया करेगी, दिखाओ जादू। ये देखो एक्टिंग मत करो ठीक है। और ये जादू वादू कुछ नहीं है, मैंने खरीद के दिया है ऐसे, ठीक है। ये एनिवर्सरी गिफ्ट है गौरव कपूर के लिए। सो गाइस कल हम जाने वाले हैं जयपुर हमारे एनिवर्सरी ट्रिप के लिए। एनिवर्सरी 28 को, हम 27 को वापस भी आ रहे हैं। फॉर्मेलिटी वाला ही, बस खाली से घूमने जा रहे हैं। मैं बनवाऊंगी अपनी मेड से पूरी कचौड़ी। एंड जस्ट टू लेट यू नो गाइस, श्रेया को लग रहा है ये रोड ट्रिप मतलब दिल्ली जयपुर 4.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से मैं जाना है। कोई ऐसा प्रॉपर रोड ट्रिप नहीं है जो आप सोच रहे हो, हम जा रहे हैं बहुत लंबा, कचौड़ी सब्जी बनवा रहे हो। और मैंने पता है अपने ऑफिस वाले को सारे लिस्ट ले लिया है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, क्या क्या ऐसा। ब्रेस योरसेल्फ गौरव कपूर, ब्रेस योरसेल्फ होता है। सो गौरव को लगता है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो एक बार हमारी शादी नहीं हुई थी, वी वेर सॉर्ट ऑफ डेटिंग, वी वेर, हाँ मेरी नैन होती जो गौरव कपूर चला रहा था, और तो इसने बोला कि मैं ना आप एकदम स्पीड में लेके जाऊंगा, तो श्रेया यू ना ग्रेस योरसेल्फ। जयपुर के लिए हमें निकलना था सुबह 6:30 ताकि हम 11:30 तक पहुंच पाए और घूम फिर पाए, और वक्त हो चुका है मेरे दोस्तों, मुझे पता नहीं ऐसे दिख रहा कि नहीं दिख रहा, पर इट इज क्लोज टू 8:45 एंड वी आर स्टिल हियर। दोस्तों देखो जयपुर जाने की तैयारी, घर का सारा काम, और इसे एक्टिंग कर रही है, सवेरे उठ करके सारे बर्तन मैंने मांझे हैं, चल ये क्या है फिर, दो बर्तन मांझ के ज्यादा हीरो बन रही है। बट अभी हम निकलेंगे, पर प्लान था निकलने का 6:30, 9:05 हो चुके हैं दोस्तों, अभी तक घर के अंदर कोई निकलने का मौका नहीं है। हेलो गाइस, सो वी आर फाइनली आउट फॉर जयपुर ट्रिप। गौरव इज ड्राइविंग, बोल रहा आधे रास्ते मैं ड्राइव करूंगी, जो कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है। एक बार मैं लेके गई थी गाड़ी मुंबई से इमेजिका लोनावला, और खोपोली और मेरी नैनो को लेके गई थी मैं, और जो कि राइट हैंड साइड हम लेन पे चला रहे थे, और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो कि जुब जुब करके गाड़ियां जाती हैं। मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो कैसे, कोई जा नहीं रहा है, मुंबई पुणे वाले ही जाते हैं। तो हाँ, तो मतलब बहुत चौड़ा हाईवे है वो, और बहुत ही मतलब एक्सप्रेस हाईवे, बहुत अच्छा हाईवे है, और मैं फुल कॉन्फिडेंस में अपनी नैनो को राइट हैंड साइड में चलाए जा रही हूँ, मतलब हाईएस्ट स्पीड उसकी वही 60-70 थी, और अचानक से इट जस्ट स्टॉप्ड, भक करके बीच में रुक गई। ओ शिट, उसके बाद से मुझे इतना डर लगता है हाईवे पे चलाने में। बट एनीवेज, बट आज भी हमारे पास जो है आज के जमाने की नैनो ही है, बलिनो। अब गौरव नई गाड़ी लेने वाला है तो बड़ा बलिनो इसे बुरी लग रही है, ले लेके घूमता रहता है हर जगह इधर उधर, तब उसे नहीं लग रहा था। चले चोपटा भी चली गई थी एकदम आसानी से, चोपटा गई थी सोचो। सो या सो वी हैव हिट द रोड, ये पर अभी लग नहीं रहा रोड ट्रिप शुरू है क्योंकि भाई अभी तक गुड़गांव ही नहीं पहुंचे हैं। तो ये बोलो गुड़गांव पार, मानेसर पार होगा, उसके बाद लगेगा रोड ट्रिप शुरू हो गई है। मैं भी अपना मास्क हटाती हूं थोड़ा। हां सोया, ये मेरी सोया, तुझे हर बात मेरी काटनी क्यों होती है? अभी तो हाथ रखो, शीशा नहीं दिख रहा बोला, ठीक है। स्टार्ट हुआ, झगड़ा स्टार्ट हो गया। ये देखो झगड़ा नहीं हुआ, आप शीशे के आगे हाथ मत करना बस, गाड़ी चलाते टाइम। रुकना, अभी मैं सब डालूंगी जो तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया।
एनिवर्सरी ट्रिप पे जा रहे हैं झगड़ते झगड़ते झूठ मत बोलो ठीक है ज्यादा ना रोने धोने की जरूरत नहीं फालतू का रिकॉर्ड छोड़ो मैप चला मेरी माँ ये देखो स्टार्ट हो गया इसका कौन बोलता है गौरव कपूर को उसकी बीवी कंट्रोल करती है देख लो उसकी मैं इसमें लोग आप ही को बोलेंगे आपको 15 मिनट से बोल रहा हूं मैप चलाने को आपको वो नहीं हो रहा है सीधा जाना अब ये पूरा रास्ते ऐसे ही रहेगा कैमरा सब रिकॉर्ड होगा आपका फोन की वैसे बैटरी कम होती कब जल्दी खत्म हो जाएगा तो गोभी बलिनो में ये वाला फीचर तो है फोन चार्ज करने का ठीक है जा रहे हैं एनिवर्सरी मनाने मुझे पता है लड़ झगड़ के आएंगे ऐसा ही होता है सारे मैं तो नहीं लड़ूंगा पर आप बस उसके आगे से हाथ हटा के रखना ये याद रखना पूरे रास्ते वरना गाड़ी ठुकेगी तो मेरे पे अपना नाम मत डालना पापा मम्मी का मैंने हमेशा देखा था नॉर्मल दिनों में एकदम सही रहेंगे जब भी कोई घर पे त्योहार होता था या एनिवर्सरी होती थी उस दिन स्पेसिफिकली झगड़ा होता ही होता था आई थिंक हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ मैं नहीं झगड़ रहा मैं तो झगड़ूंगा ही नहीं पता नहीं सबके साथ होता है नहीं बट हमारे घर में तो बहुत होता है नॉर्मल दिनों में शांति से रहेंगे होली दिवाली एनिवर्सरी बर्थडे तो होता है पूजा करते टाइम बहुत कलेश होते हैं घर वालों के ना तुम्हें आती नहीं है तुम्हें आती है क्या वैसे हमारा भी हो रहा है हमारा नहीं हो रहा है अच्छा हाथ हटाओ गुबी कहां मेरा हाथ एकदम मेरे मुंह के सामने क्या बोल रहा है यार गुबी क्या बोल रहा है यार अभी ठीक है अभी ठीक है मतलब कैसे तू बोल सकता है कि मेरा हाथ शीशे के सामने है अभी ठीक है अरे वाह ये बेस्ट एंगल है ऐसे रख लो मैं बताऊं गिम्बल पे लगाओगे तो इजी पड़ेगा अब मेरे चेहरे के पोर्स भी दिख रहे हैं सारे मैं आपको जेन्युइनली बताऊं गिम्बल पे लगाओगे ज्यादा इजी रहेगा उसको आप ऐसे कर सकते हो ना अचानक से तू रख अपना गिम्बल अपने पास ठीक है मेरा हाथ मेरा गिम्बल है तू अब इधर क्यों देख रहा है सीधा देख क्यों कैमरे पे वो कर रहा है आप मेरी जलांग क्या फूकने के लिए आए हो क्या मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ यार रोड ट्रिप के लिए और तू यहाँ मैं भी एक्साइटेड हूँ हाँ ये एंगल बहुत अच्छा है इस एंगल पे लो सारे के सारे तो कोई दिक्कत नहीं तुझे एंगल देखने जरूरत नहीं तू रोड देख ठीक है तो मैं मेरे को उधर देखना होता है ना पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है आपको तो पता नहीं मैं आपको बताऊं श्रेया ने मुंबई में ड्राइविंग करते हुए नैनो में ऐसे बेचारे जो लोग सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते एक बाप दूध लेने जा रहा है एक माँ अपने बच्चे को लेकर के ऑफिस लेके जा रही है अरे प्ले स्कूल में छोड़ने जा रही है उन सबको ठोका पता है श्रेया ने आपको अच्छा एक बार श्रेया ने एक अंकल को ठोका उनके हाथ से उनका दूध ही गिर गया पता है पूरी फैमिली को फीड करने के लिए दूध लेके जा रहे थे पूरा दूध कह रहा बेटी कोई बात नहीं मैं बच गया वो बहुत है एक बार श्रेया ने चलती गाड़ी मैं एक जगह श्रेया का वेट कर रहा था मेरा श्रेया घर 2 किलोमीटर दूर था तो मैं श्रेया का वेट कर रहा था कि श्रेया आएगी आएगी श्रेया आए ना फोन करो फोन ना उठाए मैं भाई ऑटो लेके गया तो नैनो डिवाइडर पे चढ़ा करके बैठी हुई है और मैंने कहा ये कैसी चढ़ी कह रही पता नहीं चलाते अचानक से डिवाइडर पे चली गई तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ इनको तो पता नहीं इनको लेफ्ट राइट देखने की आदत है नहीं कि नीचे किसको उतारना है और नैनो जैसी छोटी गाड़ी में श्रेया को वो नहीं पता चलता था अच्छा कि लेफ्ट लेना है कि राइट तो सोच लो रोज ऑफिस से तुझे पिकअप करते हुए जाती थी मैं समझा हाँ सिर्फ अपने घर से मेरे घर तक आती थी उसके बाद मैं ही चलाता था गाड़ी कुछ भी और चलाता तो वहाँ पे कलेश होते हुए जाते थे कलेश करते करते आते थे एक बार तो कुरला की रेड लाइट पे कुरला नहीं कौन सी साकिना का रेड लाइट पे कलेश साकिना का तो बिल्कुल मरोल वाली रेड लाइट पे वहाँ ऐसा झगड़ा करके मैं उतर के पैदल चला गया ऑफिस गौरव ने ज्यादा वो किया कि मुझे नहीं बैठना इस गाड़ी में मैंने कहा तो उतर जा खुद तो चलाती है तो स्लो चलाती है और जब मैं चलाता तो रेड लाइट पे कहती है भगा भगा वो नहीं तो जो लोग येलो पे कहते भगा भगा भगवा अरे भाई नहीं भगाना भाई नहीं भगाना मेरे को तमीज से आराम से चलाना है तो मैं वही कलेश करके मैं वही गाड़ी छोड़ के भाग गया अपने तो मैं भाग गया वो पूरी बात क्यों नहीं बता रहा है जो तेरा चौप हुआ था क्या? मैंने बोला उतर जा अगर तुझे नहीं जाना है तो बोला ठीक है मैं उतर रहा हूँ तो ड्राइवर सीट से उतर गया उसके बाद अब उतर तो गया रोड पे आ गया उसे लगा अब जाऊं कैसे ऑफिस उतरा मैं जैसे ही सीट पे आई दूसरी तरफ से घूम के वापस ये पिलियन राइडर वाली सीट पे आके बैठ गया बोले सुनो ऑफिस छोड़ दो पहली बात तो पिलियन राइडर ना मोटरसाइकिल पे होता है हाँ तो जो भी समझ गए ना लोग अरे यार मैप चला लो मेरे को नहीं ये देखो ये गलत आया हूँ ये अभी कुछ दिन पहले कुछ समय पहले गौरव कपूर बोल रहे थे कि बहुत अच्छे ड्राइवर है अभी मैं दिखाऊंगी आपको वो कितने अच्छे ड्राइवर है मैंने कुछ भी नहीं करा है वो अपने आप सड़क पे लगा के गया कुछ अच्छा जो आपने अपनी ड्राइवरी दिखाई है ना आपको ही पता है मैंने कुछ नहीं करा है ये देखो गाइस दूर से दिख रहा होगा ये देखो
कितने अच्छे ड्राइवर है गौरव कपूर। और मैंने एक बार भी गाड़ी में स्क्रैच नहीं, जब भी मैं चलाई कभी नहीं आया। 3-4 बार गाड़ी ठुकी है और ये गौरव कपूर की वजह से ही ठुकी है। मैंने नहीं ठुकी है भाई, मैं जो चलाता है वही ठुकेगा ना। ये तो साइड में बैठ जाती है अपना अपना फोटो खींचने के लिए और ब्लॉग बनाने के लिए। मैं चला रहा हूँ दिन दिन भर रात रात भर, तो वही ठुकूंगा और कौन ठुकेगा। ठीक है, नहीं बनाती हूँ ब्लॉग, मेरा क्या जा रहा है, नहीं बनाती हूँ, मेरा क्या जा रहा है। चलो जी, गाड़ी पे डेंट लगा और अब गौरव कपूर जी आए हैं 1,000 रुपए का चालान देते हैं ओवर स्पीडिंग के लिए। और ये बड़े बन रहे थे अच्छे ड्राइवर। हाँ, क्या कहना है तुम्हारा? मैं मुंह दिखा लाइक नहीं होता इसलिए ढक लिया क्या मास्क से? और बिना मास्क के गया है बात करने के लिए उससे? वो तो उसने मेरी एनिवर्सरी के चक्कर में छोड़ दी, नहीं तो 3,000 का चालान बोल रहा था तो ये क्योंकि फर्स्ट चालान दिया ना, सेकंड थर्ड। मैंने कहा सर एनिवर्सरी है, सर आती है गाड़ी लगा दी किसी ने, भट्टा बैठ गया, एनिवर्सरी है मेरा 3,000 का, प्लीज सर माफ कर। अभी मैं चला रही होती ना आराम से 60 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाती मैं है? और ना ही 1,000 रुपए का चालान कटता, समझा? कोई नहीं भाई, सबको बांट रहा, तो कह रहा था पेस्ट्री भी खिला के जाओ एनिवर्सरी की। हां सच में कह रहा 500 और दो पेस्ट्री लगेगी मैं कहा सर 500 पेस्ट्री गई है। गाइस वॉच द व्लॉग टिल द एंड सो दैट आई कैन रिकवर द मनी फॉर चालान। प्लीज वॉच एवरीथिंग। कैसे रिकवर करेगा? एड रेवेन्यू से हो जाएगा ना, देखो मेरे चलान का तुम लोग अपना टाइम दे दो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है यार, कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं, कट गया यार, ऐसे ही क्या कर सकते हैं। अच्छा ऐसे ही कट जाता है, हमारे ह्यूमर की वजह से बच जाता है, थोड़ा हंसी मजाक में निकाल लिया मैंने, चौड़ा हो जाता ना तो अभी लपेट के रहता। ऐसे ही चलान कट जाता है, ऐसे ही गाड़ियों पे डेंट लग जाता है, सब कुछ ऐसे ही तो हो जाता है गौरव कपूर, है ना? और ऐसे ही मुझ पे इल्जाम भी लग जाता है। मैं घर से गाड़ी निकालता हूं तो मेरे को लगता है एक मैं तो पूरे रास्ते में पैसे बांटते, एक बार तो मैं चलान वाला तो बताओ भाई, एक बार तो मेरे घर से गाड़ी ले, लॉकडाउन नया नया लॉकडाउन खुला, मुझे फर्स्ट लॉकडाउन खुला था और मैं गया फरीदाबाद से विकासपुरी, अब मुझे पता ही नहीं दिल्ली में इतनी जगह कैमरे लग गए। फरीदाबाद से विकासपुरी पहुंचा, फोन पे मैसेज आ रखे थे 8,000 रुपए के चलान के, मेरे को तो लगता है जब जब गए मैं चलाता ही नहीं, मैं कम चलाता हूँ बहुत। अच्छा कम चलाता हूँ, जब देखो गाड़ी लेके उड़ा हुआ रहता है, बस अब थोड़ा कंट्रोल में चला। इस रोड पे 80 की स्पीड क्या है ये देखो, पता भी नहीं चल रही है, 80-85 चल रही है अभी, और वो कह रहा है कि 60 की स्पीड है। एक तो रोड है इन लोगों ने थोड़ी बेटर बना दी है, स्पीडें कम रखी है, ये तो तरीका है भाई चलान काटने का। ये देखो 80-85 पे चल रही है, पता भी नहीं चल रही है, वैसे 60 पे चल रही है क्योंकि 60 है स्पीड, तो 60 पे चल रही है ऐसे ही बोल रहा था मैं। फिर से कटेगा चलान, कोई ये वीडियो दिखा के बोलेगा और एक चलान काटो गौरव कपूर। आप कोई रोडवेज में गए हो? ये वाली में नहीं, ये वाली में। ऐसे ही मस्त होती है, इसकी खिड़की होती है ना, अभी तो अलग हो गई है। हाँ। इसकी खिड़की में दो छेद होते थे याद है? हाँ, हवा आती थी वहाँ से। छेद में से हवा आती थी, और जहाँ छेद नहीं होता था, जहाँ छेद नहीं होता था वहाँ होता था, एक खुटका होता था याद है? जब पकड़ के बंद करता था, उसमें सर लगता था। हाँ, बहुत जोर, बाप रे, एकदम चांद तारी दिख जाते थे। और हमने सोचा पहली बार हम किसी भी सिटी में जाकर के आपको प्रॉपर एक रूम टूर देंगे, क्योंकि इससे पहले जितनी भी जगह मैं घूमने जाता हूँ भाई साहब, मैंने देखा है एंड तक, हम सोचते एंड में रूम टूर तो रूम ही है, कभी ना कभी कर ही लेंगे, तो सुस्ती में हो ही नहीं पाता है। तो फाइनली वी आर गोना शो यू आर रूम टूर, वी आर स्टेइंग इन दिस अमेजिंग प्लेस नोन एज सामोद हवेली, जिसको मैं 2 दिन से संबोड़े हवेली बोल रहा था, पता नहीं क्यों मैंने गूगल पे भी डाला संबोड़े हवेली, फिर श्रेया ने बताया कि इट इज सामोद हवेली एंड नॉट संबोड़े। तो हम और हमारा एक्स कौन था, बेसिक वाला रूम था ना शायद, बेसिक था, पर इन लोगों ने हमें अपग्रेड कर दिया बहुत तगड़े रूम के अंदर, या फिर पता नहीं, या शायद यहीं का बेसिक यही है तो हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसका रूम टूर विल स्टार्ट नाउ।